बेंगलुरु हत्याकांड एक बार फिर ऐसा अपराध हुआ है जिसने हर किसी का दिल दहला कर रख दिया। 29 वर्षीय महिला जिसका नाम महालक्ष्मी था, उसकी बेरहमी से हत्या कर उसके शव को 32 टुकड़ों में काटा गया और शव के टुकड़े उसी के घर के फ्रिज में मिले। ये टुकड़े बुरी तरीके से सड़ चुके थे। महिला के कातिल ने महिला की हत्या करके 15 दिन पहले ही उसके टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे, लेकिन किसी को भनक नहीं लगी। घटना शनिवार यानी 21 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे सामने आई, जब महालक्ष्मी दास की माँ और बड़ी बहन को घर के मालिक ने बुलाया। इलाके में बदबू फैलने के बाद उन्होंने महालक्ष्मी के परिवार को कॉल करा था। महालक्ष्मी की माँ और बहन ने पाया कि सामने का दरवाजा बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला तो फर्श पे कीड़े रेंगते हुए नजर आ रहे थे। कमरे में भीषण बदबू आ रही थी। उन्होंने पाया कि कुछ कीड़े फ्रिज से बाहर निकल रहे थे। फ्रिज में कुछ सड़ने का आभास होने पर उन्होंने फ्रिज खोला और सड़ी हुई लाश को देखकर दोनों बेहोश हो गए। पुलिस ने बताया कि महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी। उसने बेंगलुरु के वैली कावल में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। वो यहाँ एक बेडरूम वाले फ्लैट में अकेले रहती थी। महालक्ष्मी 5 महीने से उसी फ्लैट में रह रही थी। शुरुआती दिनों में उसका बड़ा भाई उसी के साथ रहता था। महालक्ष्मी अपने पति से अलग हो गई थी। वहीं उसका पति नेलमंगला में अपने बच्चों के साथ रहता था। इसी के साथ पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्यारों में एक या उससे ज्यादा लोग शामिल थे। पुलिस का मानना है कि महिला की हत्या 12 सितंबर को या उसके बाद हुई थी। उसका मोबाइल 12 सितंबर से बंद था। पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह आश्चर्यजनक है कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने इतने लंबे समय तक उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि एक व्यक्ति सुबह महालक्ष्मी को लेने आता था और रात को वापस घर छोड़ता था। पुलिस को संदेह है कि हत्यारा महालक्ष्मी के जानने वाला ही था। घर का कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ है, ना ही इधर उधर है। इसका मतलब साफ है कि ना तो कोई फोर्स से घर में दाखिल हुआ और ना ही महालक्ष्मी को मारने से पहले कोई संघर्ष हुआ। पुलिस उस लड़के की तलाश कर रही है जिसके साथ महालक्ष्मी आती जाती थी। कुछ लोगों का कहना है कि उस पिक एंड ड्रॉप वाले लड़के ने महालक्ष्मी को प्रपोज किया था। माना जा रहा है कि दोनों के बीच में अफेयर था, जिसके चलते घर वालों ने महालक्ष्मी को छोड़ दिया था। अब पूरी केस की सच्चाई क्या है वो तो आगे चल के ही पता लगेगी। बेंगलुरु हत्याकांड की अपडेट के लिए बने रहें पत्रिका के साथ। एंड हाँ, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।